तो वेन एवर देर इज ए क्वांटिटी पार्ट यू मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट एंड वेन एवर देर इज ए रेट पार्ट यू मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल क्वांटिटी होगा ना. कैन यू रिफर क्वेश्चन नंबर 4. ओके प्लीज. क्वेश्चन नंबर 4 में अपने से दोनों पूछा है उसने. देखो जरा क्या क्या पूछ रहे हैं. कंप्यूट द फॉलोइंग वेरियंसेस फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो. सेल्स वेरियंस बेस्ड ऑन मार्जिन एंड सेल्स वेरियंस बेस्ड ऑन टर्नओवर. राइट. तो पहले मार्जिन. मार्जिन में क्या ध्यान रखना है. बजटेड प्रॉफिट इक्वल टू बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट एंड एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट. बिकॉज द प्रॉफिट मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस फ्लक्चुएशन. राइट. इसके लिए सेल्स का प्राइस और मार्जिन का प्राइस हमेशा क्या रहेगा. सेम. ओके. स्टेप नंबर 1 टेबुलर फॉर्म. स्टेप नंबर 1 टेबुलर फॉर्म. सेल्स मार्जिन वेरियंस. सेल्स मार्जिन वेरियंस इट मीन्स स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल. क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 97. प्रोडक्ट क्वांटिटी रेट अमाउंट क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट. कौन कौन से प्रोडक्ट हैं. एम एन ओ पी. एम एन ओ पी क्या क्वांटिटी है. 2, 3, 5, 10. 2, 3, 5 and 10. 2200. 2600. 4400 and 12,000. 180, 60, 40. Actual selling price. This is your minus standard cost. What your standard cost is 80, 60, 50, 30. 80, 60, 50 and 30. It means profit 10, profit 10, profit 20, profit 20. $20,000, $40,000, $60,000, $50,000. $1,00,000. $21,200. Actual profit, actual selling price 95, 85, 65, 40. Standard cost 80, 60, 50, 30. 80, 60, 50, 30. 15, 25, 15, 33, 65, 66, 120. $2,84,000. चेक करो.
ऑलराइट, समझ में आ रहा है? क्या सेल्स हम लोगों ने सोचा था 2,50,000 मार्जिन, और क्या मार्जिन आ रहा है 2,84,000। स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू, सेल्स मार्जिन वेरियंस 250 लेस 284, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरियंस, सेल्स मार्जिन रेट वेरियंस। एक ही चीज ध्यान रखना है, वेन एवर देर इज ए क्वांटिटी पार्ट यू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, वेन एवर देर इज ए रेट पार्ट यू मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल। 2,000 सोचा था, 2,200 हो गया, इज गुड। 4,000 फेवरेबल, 3,260,020, 8,000 एडवर्स, 6,000 एडवर्स, 20,000 फेवरेबल, 10,000 फेवरेबल, 20, 20, 10, 10, 15, 25, 15, 10, 2,200, 2,600, 4,400, 12,000, 11,000 एडवर्स, 13,000 फेवरेबल, 5,440, 22,000 फेवरेबल एंड नील, 24 फेवरेबल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट। सेल्स मार्जिन वेरियंस, ऑलराइट, टैली हो रहा है, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, तो आगे मिसिंग फिगर सम्स करेंगे तो अपना ये सब टैली होना चाहिए, राइट। देन सेल्स
मार्जिन सब वॉल्यूम वेरियंस सेल्स मार्जिन मिक्स वेरियंस सेल्स मार्जिन सब वॉल्यूम 20,000 था 21,200 250,000 डिवाइडेड बाई 20,000 फॉलोइंग फ्रेंड्स 250 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 1200 15,000 फेवरेबल एम एन ओ पी 2,000 आउट ऑफ 20 3,000 आउट ऑफ 20 5,000 आउट ऑफ 20 एंड 10,000 आउट ऑफ 20 इंटू 21,200 21,200 21,200 2200 2600 4400 and 12,000 into 20 20 10 10 2120 3180 5300 10,600 1,600 favorable eleven 600 adverse 9,000 adverse 14,000 favorable 11,600 9,14 5,000 adverse 2,000 राइट समझ में आ रहा है एकदम प्रॉपर सेल्स का कर सकते हैं अभी बनाओ सेल्स वेरियंस सेकंड पार्ट इसका करो बनाओ सेल्स वेरियंस राइट कैलकुलेट करो सब ना नंबर टू सेल्स वेरियंस बेस्ड ऑन टर्नओवर सेल्स वेरियंस
बेस्ड ऑन टर्नओवर. स्टेप नंबर वन, वट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव यू जस्ट ट्राई टू पुट इन टू द टेबुलर फॉर्म. सेल्स का टेबल बनाओ. पहले सेल्स का टेबल बनाते हैं. पहले सेल्स का टेबल बनाओ, राइट. क्या क्या दे रखा है अपने को? प्रोडक्ट एम एन ओ एन पी 2000, 3000, 5000, 10000, 2200, 2600, 4400, 12000. सेलिंग प्राइस 100, 80, 60, 40. सेलिंग प्राइस 95, 85, 65, and 40, 20,000, 2 lakh, 2 lakh 40, 3 lakh, 4 lakhs. ₹11,40,000. ₹21,200. 2,09,000. 2,21,000. 286, 1196. चेक करो, यही है क्या रहा आंसर? क्या सेल सोचा था आपने? 11,40,000 और एक्चुअल में क्या रहा है? 11,96,000. 1140 सोचा था, 1196 आ रहा है. इट मीन्स सेल्स वेरियंस 1140 लेस 1196, 56,000 फेवरेबल. सेल्स वॉल्यूम वेरियंस, सेल्स रेट वेरियंस, एम एन ओ पी 2000, 3000, 5000, 10000. एक्चुअल 2200, 2600, 4400 एंड 12000.
हंड्रेड एटी सिक्सटी फोर्टी हंड्रेड एटी सिक्सटी फोर्टी नाइन्टी फाइव एटी फाइव सिक्सटी फाइव फोर्टी टू टू डबल जीरो टू सिक्स डबल जीरो फोर फोर डबल जीरो एंड ट्वेल्व थाउजेंड. सोचा था 2000 सेल हुआ 2200 200 इंटू 100 बोलो 20,000 फेवरेबल. सोचा था 3000 सेल हुआ 2600 इंटू 80 32,000 एडवर्स. सोचा था 5 आ रहा है 4400 इंटू 60 36,000 एडवर्स. 2000 इंटू 40 80,000 फेवरेबल बराबर 80,000 फेवरेबल 20,000 फेवरेबल लेस 32,000 लेस 32,000 क्या आ जाएगा फेवरेबल. इसके दो पार्ट 100 सोचा था 95 फाइव रुपीज कम मिला इंटू टू टू डबल जीरो 11,000 एडवर्स 5 टू सिक्स डबल जीरो इंटू 5 13,000 फेवरेबल 5 फोर फोर डबल जीरो 22,000 फेवरेबल नील 13 फेवरेबल 22 फेवरेबल 11 24,000 फेवरेबल 32 प्लस 24 इज 56. देखो प्राइस वेरियंस टेल हो रहा है. सेल्स का प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू सेल्स मार्जिन प्राइस बिकॉज इन बोथ द प्लेसेस वी डिडक्ट द कॉन्स्टेंट अमाउंट. दोनों जगह कॉन्स्टेंट अमाउंट डिडक्ट करते हैं इसके लिए राइट. इसके दो पार्ट सेल्स सब वॉल्यूम वेरियंस एंड सेल्स मिक्स वेरियंस. सब वॉल्यूम मीन्स टोटलिटी 20,000 20,100 इंटू 11,40,000 डिवाइडेड बाई 20 11,40,000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 1200 68,400 फेवरेबल एम एन ओ पी 2000 आउट ऑफ 20,000 3000 आउट ऑफ 20,000 5000 आउट ऑफ 20,000 एंड 10,000 आउट ऑफ 20,000. सेल हुआ है 2000 divided by 20,000 into 21,200 divided by 20,000 into 3,000 3180 5,300 10,600 ये बराबर है. अब उसके सामने अपना क्या सेल हुआ है 2,200 2,600 4,400 एंड 12,000 इंटू 100 60 40 2120 less 2200 into 100 8000 favorable 3180 less 2600 into 80 46400 adverse
5300 4400 × 60 5400 एडवर्स 10600 less 12000 × 40 56000 एडवर्स फेवरेबल। देखो ये बराबर है 8 + 56 + 4600 अरे फिफ्टी सिक्स थाउजेंड फेवरेबल 8000 + 56 − 4600 − 54 54 क्या ये 2120 फेवरेबल है, ये एडवर्स है, ये एडवर्स है, ये एन 46 3180 था इंटू 80 46400 एडवर्स एडवर्स ये बाकी सब बराबर है 56 8 46 400 54 36 400 एडवर्स सो 68400 less 36400 32000 फेवर। और सेल्स का प्राइस मार्जिन का प्राइस करो चेक टैली होता है तो मैक्स टू मैक्स सेल्स और मार्जिन में इतना पूछ सकता है राइट सेल्स एंड मार्जिन में मैक्स टू मैक्स सेल्स के दो पार्ट वॉल्यूम एंड प्राइस वॉल्यूम के दो पार्ट सब वॉल्यूम एंड मिक्स ऑल राइट फ्रेंड्स और सेल्स का प्राइस एंड मार्जिन का प्राइस सेल्स का प्राइस एंड मार्जिन का प्राइस हमेशा क्या होना चाहिए सेम से यस नो राइट समझ में आ रहा है चलो अब अपन लेके चलते हैं आपको कॉस्ट वेरियंसेस के ऊपर राइट आपको लेके चलते हैं कॉस्ट वेरियंस के ऊपर राइट तो पहला पॉइंट मैंने आपको लिखाया था तो आप जरा रिवाइज करिए वापस से एक बार लिख लीजिए एनालिसिस ऑफ मटेरियल वेरियंस एनालिसिस ऑफ मटेरियल वेरियंस एनालिसिस ऑफ मटेरियल वेरियंस is always based on actual production. Analysis of material variance is always based on actual production. Right? Okay. Just you refer question number 5, page number 97. क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 97 क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 97 देखो जरा अपना प्रोडक्शन मैनेजर क्या बोलता है 100 यूनिट्स को बनाने में कितने केजी मटेरियल लगेगा 800 एवरी 100 यूनिट्स को बनाने में कितना मटेरियल लगेगा 800 और उसका प्राइस क्या रहेगा 5 अब हम लोगों ने एक्चुअली प्रोड्यूस किया है 500 यूनिट्स है ना एक्चुअल कंजम्पशन है हमारा 4400 और उसका एक्चुअल प्राइस है 5.3 ओके क्या करेंगे अपन फर्स्ट नोट नंबर 1 स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट राइट अगर मेरा आउटपुट है 100 यूनिट्स तो मेरा इनपुट क्या रहेगा
800 केजी, अगर मेरा आउटपुट है 500 तो मेरा इनपुट रहना चाहिए इस 4000 केजी। मेरा आउटपुट है 100 तो मेरे को इनपुट क्या लगता है 800, तो 500 पे क्या लगेगा 4000 केजी, है ना। बनाओ टेबल। स्टेप नंबर वन, मेटेरियल वेरियंस। मेटेरियल वेरियंस ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। व्हाट इज द एक्चुअल प्रोडक्शन इज 500 यूनिट्स। दिस इज स्टैंडर्ड एंड दिस इज एक्चुअल। केजी रेट अमाउंट, केजी रेट अमाउंट 4000 केजी, रेट पर केजी इज 5। फोर फोर डबल जीरो इंटू 5.3 20,000 की जगह हमें क्या कॉस्ट आ रहा है 23,320। कितने का लॉस हो गया 3320। नाउ हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। 20 सोचा था, उसके सामने कॉस्ट क्या आ रहा है 23,320। कितने का लॉस हो गया 3320। हु इज रेस्पॉन्सिबल, या तो प्रोडक्शन मैनेजर या रेट मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या बोला था, कितने केजी मटेरियल लगेगा 4000। लगा कितना 4400। कितना ज्यादा लगा 400 इंटू 5 2000 का लॉस। रेट मैनेजर ने बोला था 5 पे किया 5.3 30 पैसे एक्स्ट्रा पे किया इंटू 4400 1320 राइट। स्टेप नंबर टू, दिस इज मटेरियल कॉस्ट वेरियंस। क्या कॉस्ट सोचा था 20,000, क्या कॉस्ट आ रहा है 3320 एडवर्स। मटेरियल यूसेज वेरियंस, मटेरियल रेट वेरियंस। यूसेज वेरियंस मींस प्रोडक्शन मैनेजर मटेरियल, रेट वेरियंस मींस परचेज मैनेजर। मटेरियल यूसेज वेरियंस 4 की जगह 4400 इंटू 5 2000 एडवर्स 5.3 4400। 5 रुपीज रेट सोचा था, रेट आया 5.3 4400 0.3 × 4400 1320 एडवर्स नहीं। अगर इसमें फॉर्मूला में देखेंगे, ये अपना क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये अपना क्या हो जाएगा एक्चुअल कॉस्ट। दिस इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, एक्चुअल क्वांटिटी। वेन एवर देर इज ए क्वांटिटी पार्ट यू मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट। सो वेन एवर देर इज ए क्वांटिटी पार्ट यू मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट एंड वेन एवर देर इज ए रेट पार्ट यू मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल क्वांटिटी। क्या आपने कॉस्ट सोचा था 20,000 और क्या कॉस्ट आ रहा है 23,320। कितने का लॉस हो गया 3320। प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला था 4000 केजी, एक्चुअल में यूज किया 4400, रेट पर केजी 5
whenever there is a quantity part, you multiply by standard rate, and whenever there is a rate part, you multiply by actual quantity. क्या रेट आपने सोचा था? 5. क्या रेट आ रहा है? 5.3. कितने का लॉस हो गया? 30 पैसे into 4400, right? ये आपका this plus this equal to this. यहाँ पे सिंगल मटेरियल था, इसके लिए आपको मटेरियल मिक्स नहीं आएगा और आपको मटेरियल सब यूसेज नहीं आएगा. अगर आपको दो मटेरियल रहेंगे तो मटेरियल मिक्स भी आएगा और मटेरियल सब यूसेज भी आएगा, राइट. रेफर करिए अपना, आगे चलते हैं. यू जस्ट रिफर क्वेश्चन नंबर 7. कैन यू रिफर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7. टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल आर रिक्वायर्ड एज पर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड. क्वेश्चन नंबर 7 आप रिफर करिए. क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 98. क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 98 क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? To produce a product, three types of material are required as per the following standard. Material A, B, C, 100 kg, 60 kg, 40 kg. It means कितना हो गया? 200 kg. The standard loss of is 10% of gross input. During a given period, following were the details of material used for the production of 4,500. Material A, B, C, 2,800, 1,600, 900. You are required to ascertain all the मेटेरियल कॉस्ट वेरियंसेस. मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले नोट, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट. स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट. अगर मेरा स्टैंडर्ड इनपुट है मेरा 200 केजी, उसमें से मुझे लॉस मिल रहा है 10% ऑफ 200, इट मींस 20. 200 केजी मेरा इनपुट है, 20 मेरा लॉस हो जाएगा, मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? 180 केजी. तो एवरी 180 केजी के लिए मुझे कितना चाहिए इनपुट? 200. व्हाट इज माय एक्चुअल प्रोडक्शन? 4,500. So 4,500 into 200 divided by 180. 4,500 into 200 divided by 180. 5,000 kg अगर मैं डालता हूं तो मेरा 5,000 kg अगर मैं इनपुट डालूंगा तो मेरा 10% लॉस हो जाएगा 500. तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? 4,500. 5,000 के जी इनपुट डालेगा तो 10% लॉस होगा और मुझे क्या मिलेगा? 4,500. ये 5,000 के जी मुझे किस रेशो में चाहिए? 5,000 के जी मुझे रेशो में चाहिए 100:60:40. ए बी एंड सी 100:60:40. 100:60:40. इस रेशियो में मुझे चाहिए. इट मींस यहां पे क्या आ जाएगा? 2500 केजी. यहां पे क्या आ जाएगा? 1500 केजी. और यहां पे क्या आ जाएगा? 1000 केजी. मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. मेरा इनपुट क्या था? 200. 200 में से मेरा लॉस दे रखा है क्वेश्चन में. व्हाट इज द लॉस? लॉस 10% ऑफ 200 क्या होगा? 20. मेरा आउटपुट क्या आएगा? 180. तो 180 के लिए मुझे कितना चाहिए? 200. व्हाट इज माय एक्चुअल प्रोडक्शन? 4500. तो 4500 के लिए मुझे क्या लगेगा? 4500 इनटू 200 बाय 180. ये तो इतना इनपुट आपको लगना चाहिए, लेकिन उसके सामने क्या लगा है और दोनों का कंपैरिजन. सो यस और नो फ्रेंड्स, वर्किंग नोट नंबर 1 आपको समझ में आया कि नहीं? स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट. 200 केजी इनपुट है, 10% लॉस है, 20 हो जाता है, आउटपुट 180. एवरी
200 में मेरा 20 लॉस होगा, 180 आउटपुट मिलेगा, और वो 200 किस रेशियो में रहेगा, 100:60:40, तो 4500 के लिए इनपुट कितना लगेगा, 5000 इन दिस रेशियो। सही आंसर नो फ्रेंड्स। अब इसका बना लीजिए स्टेप नंबर 1, दिस इज मटेरियल वेरियंस बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन, 4500 kg, इट मींस स्टैंडर्ड एक्चुअल इनपुट क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट ए बी सी 2500, 1500, 1000। उसके सामने हम लोगों ने कितना यूज किया है, 2800, 1600 and 900, 694, 14, एक्चुअल में 6914 राइट, स्टैंडर्ड था 5, 10 and 15, 25, 15, 15, 25, 15, 1000 into 5, 15, 1000 plus 15,000 plus 15,000, 28, 16, 900, 28, 16, 16, 9, 9, 14, 16, 800, 14, 400, 12, 600, 43, 800, क्या आ रहा है चेक करो जरा। बराबर, क्या कॉस्ट हम लोगों ने सोचा था, 42,500, क्या कॉस्ट आ गया, 43,800। बराबर, क्या कॉस्ट सोचा था, 43, बोलो क्या कॉस्ट सोचा था, 42,500, और क्या कॉस्ट आ गया मेरे को, इट मीन दिस इज नॉट गुड, लॉस हो गया अपने को राइट। तो स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू, दिस इज योर मटेरियल कॉस्ट वेरियंस। क्या कॉस्ट आपने सोचा था, 42,500, क्या कॉस्ट आ रहा है, 43,800, कितने का लॉस हो गया बोलो, 1300 एडवर्स, 42,500, उसके सामने क्या कॉस्ट आ गया, 43,800, कितने का लॉस हो गया, 1300। इट मींस मटेरियल फर्स्ट आपका आएगा यूसेज वेरियंस, और मटेरियल रेट वेरियंस, यूसेज वेरियंस एंड मटेरियल रेट वेरियंस, मटेरियल यूसेज वेरियंस एंड मटेरियल रेट वेरियंस, यूसेज वेरियंस ए बी सी 2500, 1500 and 1000, उसके सामने 2800,
1600 and 900. Whenever there is a quantity part, multiply by standard rate. Whenever there is a rate part, multiply by actual quantity. First lecture में आपको बोला था production manager is not responsible for price fluctuation. टू थाउजेंड एट हंड्रेड यूज किया, 300 केजी ज्यादा यूज किया, इंटू 5, 1500 एडवर्स. 1500 सोचा था, 1600 यूज किया. वेन एवर देर इज ए क्वांटिटी पार्ट, मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट. 100 केजी ज्यादा यूज किया, इंटू 10, आपका लॉस आ गया 1000. 1000 सोचा था, 900 यूज किया, इंटू 15 क्या आ गया, दिस 2800 एडवर्स. 10 की जगह 1600 फेवरेबल एंड 900 एडवर्स. 2800 प्लस 900 माइनस 1600. 2800 प्लस 900 लेस 1600. 2800 एडवर्स माइनस 1600 फेवरेबल माइनस 900 फेवरेबल, दिस इज 300 एडवर्स. टैली होता है. अगर आपको फॉर्मूला पुट करना है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी. This is standard cost minus actual cost. इसके बाद आपका आ जाएगा material sub usage variance. टोटलिटी में ना, क्या सोचा था आपने, 5000 केजी यूज होगा, क्या यूज हुआ, 5300 सोचा था, 5000 केजी यूज होगा, 5300 यूज हुआ, इनटू 42500 डिवाइडेड बाय 5000. 42500 डिवाइडेड बाय 5000 इनटू 300, आपको लॉस हो गया 2550 एडवर्स. टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड एवरेज रेट. टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड एवरेज रेट, आपका आ जाएगा 2550 एडवर्स. सही आंसर नो, राइट. मतलब कैलकुलेशन पार्ट सेम है, सिर्फ आपको सोचना है एकदम लॉजिकली, राइट. देन मटेरियल मिक्स वेरियंस. मटेरियल मिक्स वेरियंस इट मींस ए बी सी. आपने क्या सोचा था, 2500 अगर टोटल रहेगा 5000. सेम है कैलकुलेशन जो अपन ने किया ना सेल्स में मार्जिन में, वैसा ही है. 2500 आउट ऑफ 5000, 1500 आउट ऑफ 5000 एंड 1000 आउट ऑफ 5000 इंटू
5300 5300 5300 into 5 10 15. एक्चुअल मटेरियल यूज हुआ 2800 1600 900 2650 2650 less 2800 into 5 7 50 adverse 1590 minus 1600 into 10 is 100 adverse 1060 900 into 15 2400 favorable. favorable. देखो जरा टैली होता है. रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट. सही है. सुनो अब इसका और एक लास्ट पार्ट आता है, उसको आप जरा बड़े ध्यान से सुनिए. ये हमेशा आपका क्या कंपैरिजन रहा इन टर्म्स ऑफ इनपुट. ये आपका क्या था इन टर्म्स ऑफ इनपुट. हम लोगों ने सोचा था 5000 मिला 5300 और आपका ये. अब इसी का एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं मटेरियल यील्ड वेरियंस. मटेरियल यील्ड वेरियंस राइट. इट मींस दिस इज इनपुट एंड आउटपुट. ये किसका कंपैरिजन है? ये कंपैरिजन है आउटपुट का, इनपुट एंड आउटपुट. आपने क्या सोचा था 5000 केजी इनपुट डालेगा तो मुझे आउटपुट कितना मिलेगा 4500. आपने क्या सोचा था 5000 केजी इनपुट डालेगा मुझे आउटपुट क्या मिलेगा 4500. आपने एक्चुअल में इनपुट डाला 5300 तो आपको आउटपुट क्या आना चाहिए 4500 / 5000 into 5300. आपने सोचा था 5 से आपको आउटपुट कितना मिल रहा है 5300 4500. तो 5300 के बाद कितना आना चाहिए 4500 / 5000 into 5300 4770 kg. तो 4770 की जगह आपको एक्चुअल में मिल रहा है ओनली 4500. इट मींस 270 kg ऑफ फिनिश गुड्स का आपको क्या हो गया लॉस. 270 kg ऑफ फिनिश गुड्स का आपको क्या हो गया लॉस. 270 kg ऑफ फिनिश गुड्स उसका आपको क्या हो गया लॉस. देखो 5000 kg हम लोगों ने इनपुट डाला था कितने आउटपुट के लिए 4500 के लिए. तो अगर अपन 5300 डालेंगे तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए 4770. लेकिन आफ्टर पुटिंग 5300 हम लोग को आउटपुट आ रहा है ओनली 4500. सही है. सुनो तो 270 kg का हमें क्या हो गया लॉस. एंड प्रोडक्शन मैनेजर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस फ्लक्चुएशन. इट मींस 42500 / 4500 4770 less 4500 into 42500 / 4500 there is a loss of ₹2550 adverse. समझे या नहीं समझे? ये हमेशा अपना किसका कंपैरिजन रहेगा? ये कंपैरिजन अपना रहेगा आउटपुट का.
आउटपुट में मुझे कितना लॉस हुआ, मैंने 5000 इनपुट डाला था फॉर द आउटपुट ऑफ 4500, 5000 डाला था फॉर द आउटपुट ऑफ 4500, अगर मैं 5300 डालता हूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 4770, लेकिन 4770 की जगह मुझे क्या आ रहा है, ओनली 4500, कितने का लॉस हो गया, 270। और एक केजी का रेट क्या है उससे आप मल्टीप्लाई, आउटपुट का रेट, इट मीन्स फॉर्मूला, दिस इज स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड वापस से आप ले लीजिए, दिस इज स्टैंडर्ड आउटपुट फ्रॉम, ऐसे लिख लो आप, एक्चुअल मिक्स, स्टैंडर्ड आउटपुट फ्रॉम एक्चुअल मिक्स, स्टैंडर्ड आउटपुट फ्रॉम एक्चुअल मिक्स माइनस एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम एक्चुअल मिक्स। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना आउटपुट होना चाहिए और कितना आउटपुट एक्चुअल में हुआ है, स्टैंडर्ड आउटपुट फ्रॉम एक्चुअल मिक्स माइनस एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम एक्चुअल मिक्स मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट ऑफ आउटपुट पर यूनिट, स्टैंडर्ड रेट ऑफ आउटपुट, स्टैंडर्ड रेट ऑफ आउटपुट पर यूनिट, स्टैंडर्ड रेट ऑफ आउटपुट पर यूनिट, स्टैंडर्ड रेट ऑफ आउटपुट पर यूनिट। समझे या नहीं समझे फ्रेंड्स, एकदम क्लियर है, नो कंफ्यूजन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एक अलग है, बाकी का तो जो अपन ने सेल्स और मार्जिन की है वैसे ही है राइट। मेटेरियल यील्ड वेरियंस 5000 से हमें कितना मिल रहा है, 4500, 5300 डालेंगे तो कितना मिलेगा, 4770, उसके सामने अपने को कितना मिल रहा है, ओनली 4500, 42500 डिवाइडेड बाई 4500 इज 2550 एडवर्स। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड्स, बोलो एकदम प्रॉपर, एक एक पॉइंट को समझो आप जरा। स्टैंडर्ड इनपुट फ्रॉम, स्टैंडर्ड आउटपुट फ्रॉम एक्चुअल मिक्स माइनस एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम एक्चुअल मिक्स इनटू स्टैंडर्ड आउटपुट पर यूनिट और स्टैंडर्ड रेट ऑफ आउटपुट पर यूनिट। परफेक्ट, क्लियर, नो कंफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखो और क्लियर करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस होगा तो, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा राइट। देखो जरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 8 पेज 99, देखो जरा क्या बोल रहा है। द स्टैंडर्ड सेट ऑफ ए केमिकल मिक्सचर ऑफ ए फर्म इज एज अंडर, द स्टैंडर्ड सेट ऑफ ए केमिकल मिक्सचर ऑफ ए फर्म इज एज अंडर, क्या बोल रहा है अपने को, मटेरियल ए एंड बी, रेशियो 40:60, स्टैंडर्ड प्राइस 20 एंड 30, द स्टैंडर्ड लॉस इन ए प्रोडक्शन इज 10% ड्यूरिंग द पीरियड द एक्चुअल कंजम्पशन एंड एक्चुअल प्राइस ऑफ द आउटपुट ऑफ 189 आर एन अंडर मटेरियल ए एंड बी, एक्चुअल क्वांटिटी 90, 120, एक्चुअल प्राइस 18 एंड 34, कैलकुलेट ऑल द वेरियंसेस, क्या बनाएंगे अपन बोलो, दिस इज स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर बोलो एक्चुअल आउटपुट राइट। अगर मैं इनपुट डालता हूं 100 kg, आपको सिखाया था ना, तो मेरा नॉर्मल लॉस प्रोसेस में सिखाया था ना, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस कितना हो रहा है मुझे, 10%, इट मीन्स 10% ऑफ 100, दिस कम्स टू 10 kg, तो मुझे आउटपुट कितना मिलेगा, 90 kg, 100 kg अगर मेरा इनपुट है
तो मुझे लॉस कितना हो रहा है 10% ऑफ 100, तो मुझे आउटपुट कितना मिलेगा 90 kg. तो एवरी 90 के लिए हमें इनपुट कितना लगता है 100 kg, राइट. अब मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है बोलो, 189 kg. तो 189 इंटू 100 बाई 90, 189 इंटू 100 बाई 90 एंड दिस कम्स टू 210 kg. दिस ए एंड बी. व्हाट्स द रेशियो? द रेशियो इज 40 to 60. 210 इंटू 40% 84 kg एंड 126 kg. स्टेप नंबर वन, फर्स्ट दिस इज मटेरियल वेरियंस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन विच इज 189 kg. स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल इनपुट क्वांटिटी रेट अमाउंट क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट. इनपुट ए एंड बी 84 kg 126 kg. सही है, सुनो फ्रेंड्स, क्या स्टैंडर्ड रेट रहेगा 20 and 30, 90, 120, 210, एक्चुअल 18 and 34. One six two zero four zero eight zero five thousand seven hundred eighty four into twenty one twenty six into thirty five four six zero 210. ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्किंग नोट. मैंने आपको कितनी बार बोला है मेटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड, मेटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. मेटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. व्हाट इज माय एक्चुअल प्रोडक्शन इज 189. तो 189 के लिए कितना इनपुट लगना चाहिए 210 क्या रहेगा इन द रेशियो ऑफ 40 to 60. 100 इनपुट था, 10% लॉस दे रखा है, प्रोसेस में बताया था ना आपको, 100 में से 10 का लॉस, आपको आउटपुट क्या आएगा 90. ये नॉर्मल लॉस हो गया, राइट. अगर हम 100 kg सुगर केन डालेंगे तो 100 kg जूस नहीं निकलेगा, 10 kg स्क्रैप निकल जाएगा, 90 kg जूस निकलेगा. तो 90 kg जूस के लिए 100 kg इनपुट चाहिए. तो 189 के लिए कितना इनपुट चाहिए वो आपको ये दे रखा है. दिस शुड बी इन द रेशियो ऑफ 84 to 126. व्हाट इज द रेशियो 20 to 30. ये आपका कॉस्ट हो गया और एक्चुअल में आपको 90 120. एक्चुअल आपका रेट ये और एक्चुअल कॉस्ट आपका ये हो गया. सही है सोनो फ्रेंड्स. ऑलराइट, अब आप कंपैरिजन कर लीजिए. फर्स्ट आपका आ जाएगा स्टेप नंबर टू. दिस इज मटेरियल कॉस्ट वेरियंस. क्या कॉस्ट आपने सोचा था 5460, क्या कॉस्ट आ रहा है 5700. 5460 5700 240 एडवर्स.
फर्स्ट मटेरियल यूसेज वेरियंस सेम मटेरियल रेट वेरियंस मटेरियल यूसेज मटेरियल रेट ए एंड बी 84 84 की जगह 90 126 उसकी जगह 120 इंटू 20 एंड 30 20 18 30 34 वेन एवर देयर इज अ रेट पार्ट यू मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल क्वांटिटी फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था राइट 84 90 इंटू 20 120 एडवर्स फेवरेबल 60 फेवरेबल 180 फेवरेबल 480 एडवर्स 300 एडवर्स बोलो मटेरियल कॉस्ट वेरियंस क्या कॉस्ट हम लोगों ने सोचा था 5460 क्या कॉस्ट हम लोगों ने सोचा था 5460 क्या कॉस्ट आ रहा है 5700 क्या कॉस्ट सोचा था 5460 है ना क्या कॉस्ट आ रहा है 5700 कितने का लॉस हो गया अपने को 240 हु इज रेस्पॉन्सिबल ये प्रोडक्शन मैनेजर ये रेट मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर ऑलवेज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंजम्पशन पार्ट राइट ही इज ऑलवेज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेट पार्ट वेन एवर देर इज ए क्वांटिटी पार्ट यू मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट वेन एवर देर इज ए रेट पार्ट यू मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल क्वांटिटी अब इसके दो पार्ट फर्स्ट मटेरियल सब यूसेज वेरियंस क्या आपने सोचा था 210 क्या यूज हुआ 210 इंटू 5460 डिवाइडेड बाई 210 जीरो ये हमेशा किसका एनालिसिस रहेगा इनपुट मटेरियल सब यूसेज किसका एनालिसिस रहेगा बोलो इनपुट मटेरियल सब यूसेज किसका एनालिसिस रहेगा इनपुट नाउ यू गो मटेरियल मटेरियल यील्ड वेरियंस मटेरियल यील्ड वेरियंस इनपुट एंड आउटपुट इनपुट 210 आउटपुट 189 210 से कितना आउटपुट मिल रहा था 189 210 केजी से कितना आउटपुट मिल रहा था 189 हम लोगों ने कितना डाला 210 कितना मिलना चाहिए 189 की जगह आपको क्या मिल रहा है 189 नो लॉस नो लॉस इट मींस 546 189 एंड दिस कम्स टू जीरो स्टैंडर्ड आउटपुट फ्रॉम एक्चुअल मिक्स स्टैंडर्ड आउटपुट फ्रॉम एक्चुअल मिक्स स्टैंडर्ड आउटपुट फ्रॉम एक्चुअल मिक्स 210 से 189 की जगह आपको क्या मिल रहा है 189 देन मटेरियल मिक्स वेरियंस ए एंड बी 84 आउट ऑफ 210 इंटू 84 126 210 इंटू 126 से या सुनो क्या आएगा आपका 84 126 90 120 इंटू 20 एंड 30 84 आउट ऑफ 210 तो आउट ऑफ 210 कितना रहेगा
84 आउट ऑफ 210, तो एक्चुअल 210 है तो कितना है, सेम रहेगा राइट. क्या आ जाएगा आपका 120 एडवर्स, क्या आ जाएगा आपका 180 फेवरेबल, मिलके 60 फेवरेबल. तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस दिस, ये हमेशा आपको टैली मिलेगा राइट. बोलो ऑल राइट, समझ में आ रहा है सब कुछ, एवरीथिंग है ना. 210 ये हमेशा क्या रहेगा इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, 210 से 189, तो 210 से 180, 189 की जगह 189. सो दिस प्लस दिस इक्वल टू, ये दोनों सेम रहेंगे, दिस प्लस दिस इक्वल टू ये रहेगा. आगे जाके अपन सब मिसिंग फिगर्स करने वाले राइट, तो ये सब आपको आना चाहिए. सही है सोनू, अंडरस्टैंड नोट.